ना ही कोई तगड़ा गेम प्ले है और ना ही कोई ये नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करता है, बट फिर भी इसके हर एक शॉर्ट्स पर मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे यूट्यूबर के कंपैरिजन में कुछ अलग तरीके का फनी शॉर्ट्स बनाता है। इसी रीजन से इसके हर एक शॉर्ट्स पर एकदम तगड़े व्यूज आ रहे हैं। तो आज आपको ऐसे ही शॉर्ट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा, बट उससे पहले इसका प्रीव्यू देख लो। चलो रे क्लॉकटावर पे आज अपना कब्जा होना चाहिए। मैं सबसे आगे हूँ तो मैं ग्लोबल तोड़ूंगा, ठीक है। और मैं दूसरे नंबर पे हूँ तो मैं बंदों को ठोकूंगा, ठीक है। और मैं लास्ट में हूँ तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। क्या ठीक है, जो हम दोनों लोग निकालेंगे तुझे वो फिनिश करना है। हाँ। तो प्रीव्यू देख के आपको पता चल गया होगा आज का एडिटिंग ट्यूटोरियल थोड़ा सा अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना, हल्का सा भी स्किप मत करना। फटाफट कर लेते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने जो क्लिप रिकॉर्ड किया उसे कैपकट में ऐड कर लेना। मैंने भी एक फ्री फायर क्लिप को ऐड कर लिया है, अब आपको एकदम अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले करना है आपको नीचे स्क्रॉल करके रेशो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 9.6 रेशो सिलेक्ट करके अपने वीडियो को जूम कर लेना, जितना मैं जूम कर रहा हूं। आपको क्लिप को थोड़ा आगे करके देखना है, उस सीन पर आ जाना जहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज से एनिमी यहां पर ग्लोबल या फिर गन वन से बुलवाना चाहते हो या फिर बात करना चाहते हो। तो मेरे को एक सीन मिल चुका है जहां पर एनिमी ग्लाइडर से उड़ रहा होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर अपनी लाइन को लाके नीचे स्क्रॉल करूंगा और एक फ्रिज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही जस्ट उसके आगे एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इस स्क्रीनशॉट को क्या करना है आपको, उस ऑब्जेक्ट पे जूम कर लेना। मेरे को गन पे जूम करूंगा क्योंकि मेरे को गन से बातें करनी है, और आप एनिमी से बात करना चाहते हो या फिर किसी चीज से बात करना, तो उस पर आपको जूम कर लेना कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर बोलने वाला इफेक्ट को ऐड करना है, तो उसे हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कहाँ करना है, इंस्टाग्राम में आ जाना है और कैमरे वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर रील वाला सिलेक्ट कर लेना, देन ऊपर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना फेस बिल्डर। तो सर्च करते ही फेस बिल्डर वाला आपको टॉप पे यहाँ पर ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, तो उसको आप क्लिक कर देना, देन अपना फेस को आगे ले आना, तो आपका पूरा फेस ना आके ओनली आईज और आपके लिप्स आएगी। तो रिकॉर्ड करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड को ग्रीन करेंगे। तो ग्रीन बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, ऐड मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और गैलरी वाले ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ से आप ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना। आपके पास नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लेना या फिर टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारा मटेरियल। तो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है या फिर जो भी आप अपने गन से बुलवाना चाहते हो, एनिमल से बुलवाना चाहते हो, किसी से चीज से भी बुलवाना चाहते हो और उससे क्या बुलवाना चाहते हो वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर लेना। इस पर क्लिक करके रखना, देन आपका रिकॉर्ड होने लगेगा, और रिकॉर्ड होने के बाद करना आपको नेक्स्ट कर देना है। ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपका गैलरी में ये चीज सेव हो जाएगी। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे लगाना है, वो जानना इंपॉर्टेंट। हमने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड किया था, उसे क्या करना है, यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके क्रोमा की से ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इजिली इंटेंसिटी को पूरा इंक्रीज कर देना, देन ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करके आपको लास्ट में नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना, तो आपका जो क्लिप है ना उसके पीछे जो भी नॉइज आ रहा है वो एकदम से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्लिप में से मुझे वॉइस को अलग करना है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही इसका ऑडियो अलग हो जाएगा। देन क्या करना, ऑडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करके वॉइस करेक्टर वाले ऑप्शन में आ जाना और इस वाले वॉइस को सिलेक्ट कर लेना, देन आपका वॉइस फनी वे में चेंज हो जाएगा। अब इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन इसको आप अच्छे तरीके से गन के ऊपर एडजस्ट कर लेना, जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हो, एनिमी या फिर किसी पर भी। मेरे गन पे करने से मैंने गन पे किया। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक साउंड इफेक्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। तो आप जब भी ये चीजें लगाओगे ना, जब भी आप किसी करेक्टर पे किसी चीज से भी बुलवाओगे या बात करोगे, तो उससे पहले आपको जस्ट ये वाला इफेक्ट को लगाना है हर बार, और इसके ऑडियो को थोड़ा सा कम कर देना। आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से हो चुका है, अब आपको और भी आगे काम बचा हुआ है। तो क्या करना है, इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना स्क्रीनशॉट का, उसे इस तरीके से क्रॉप कर देना। देन इसके बाद क्या करना है, मेरे को एनिमी पर जूम भी करना है, तो मैं क्या करूँगा वापस इस स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा लेंथ को इसकी इंक्रीज करूंगा, देन एक कटआउट मारूंगा जैसे ऑडियो खत्म हो रहा है, और फिर उसके बाद मैं एनिमी पर जूम कर दूंगा। और जूम करने के बाद हमने पीछे साउंड इफेक्ट को ऐड किया था ना, उसका एक कॉपी करेंगे, उसे स्लाइड करके आई क्यू लेंगे, और जहाँ पर हमने जूम किया ना भी एनिमी के ऊपर, वहाँ पर ऐसी तरीके से लगा देना है। तो इतना हो जाने के बाद एनिमी को मैं मारने के लिए दौड़ते हुए जाऊंगा, तो क्या करूंगा यहाँ पर इसके आगे आगे आ जाऊंगा, और फिर उसके बाद आगे जाऊंगा ना मैं, तो मेरे को एक और एनिमी दिखता है, तो क्या करूंगा थोड़ा सा और आगे जाकर यहाँ पर एक कट मारूंगा, और पीछे वाली क्लिप पर क्लिक करके इसका वॉल्यूम मैं पूरा जीरो कर दूंगा, और फिर इसके स्पीड वाले ऑप्शन में आऊंगा और नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी स्पीड को 5x सेकंड करके राइट कर दूंगा। और यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट ऐड करना है, तो आपको फाइल वाले दोबारा उससे ऑप्शन पे क्लिक कर देना और एक और साउंड इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है, और जहाँ पर कटआउट लग रखा है ना जहाँ तक, तो ऑडियो में वहीं तक कटआउट मार के आगे वाला पार्ट को डिलीट कर देना।
अकेले को थोड़ा सा आगे करूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा और फ्रिज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को एनिमी पर जूम करना है, फिर मैप पर जूम करना है और फिर उसके बाद गन पे जूम करना है, क्योंकि गन को भी मेरे को एक और बार बुलवाना है, बात करनी हो। तो इस स्क्रीनशॉट को सबसे पहले आप एनिमी पर जूम कर लेना और जूम करने के बाद फिर उसके जस्ट थोड़ा सा आगे एक करोट मारना, फिर मैप पे जूम कर लेता हूँ और मैप पे जूम करने के बाद थोड़ा सा और आगे आऊंगा और एक और करोट मारूंगा और फिर उसके बाद मैं अपने गन पे जूम कर लूंगा। देन पीछे मैंने एनिमी पर जूम किया, मैप पर जूम किया, तो वहां पर एक एक साउंड इफेक्ट भी ऐड करना है। तो जहां एनिमी पर जूम किया था वहां पर आकर मैं फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक और साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेता हूं। फिर जहां मैप पे जूम हुआ है ना, वापस से पीछे आऊंगा, जो हमने एक साउंड इफेक्ट लगाया था उसका एक कॉपी करूंगा और कॉपी करके स्लाइड करके आगे की ओर ले आऊंगा और जहां पर मैप पे जूम हुआ है वहां पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। और जहाँ मैंने गन पे जूम किया था तो एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक और ग्रीन स्किन को ऐड कर लेता हूँ। देन नीचे स्क्रॉल करके इसका भी बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर देता हूँ अच्छे तरीके से, और इसको भी मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। आपको भी जितने भी क्लिप है एक साथ रिकॉर्ड कर लेना, ग्रीन स्किन लगाकर अच्छे तरीके से इंस्टाग्राम से रिकॉर्ड कर लेना। देन यहाँ पर एक एक करके उसे ऐड करते जाना। तो फटाफट मैं इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से गन पे यहाँ पर एडजस्ट कर लिया मैंने, और फिर इसका नॉइज रिडक्शन भी ऑन कर दूंगा और फिर इसके एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ऑडियो को अलग कर लूंगा। फिर ऑडियो इफेक्ट वाले में जाऊंगा और वॉइस करेक्टर में जाके इसका वॉइस को चेंज कर दूंगा। आपको भी चेंज कर लेना है, क्योंकि आपकी वॉइस अलग होगी और जो एनिमी बोलेगा उसकी वॉइस अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों बार जो बोलने वाला इफेक्ट था वो गन पे यूज किया है, तो एनिमी पर कैसे यूज करना उसे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, एनिमी पर पहले अच्छे तरीके से जूम कर लेना और फिर इसको क्या करना है, ग्रीन स्किन को अच्छे तरीके से एनिमी के मुंह पर एडजस्ट कर देना। और आप पेड़ से बुलवाना चाहते हो तो इस ग्रीन स्किन पे क्लिक करके पेड़ पे एडजस्ट कर देना, ग्लोबल से बुलवाना चाहते हो तो ग्लोबल पे एडजस्ट कर देना। लेकिन आप जिससे बुलवाना चाहते हो उससे पहले उसका एक फ्रीज कर लेना, वहां पर एक फ्रीज कर लेना, जैसे उसके आगे एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। फिर आप किसी से ही बुलवाते रहो। एक बार आपको जो मैंने एडिट किया है आपको सिखा दिया अच्छे तरीके से, इतना ही आज का वीडियो था। लेकिन आप रिजल्ट देख लो एक बार, जो भी मैंने एडिट किया मैंने अच्छे तरीके से शॉर्ट तो नहीं क्रिएट किया, बट आपको सिखा दिया अच्छे तरीके से। और जो भी इस वीडियो में मटेरियल यूज हुआ वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाय। देखो अब हम कैसे 1v4 करते हैं।